हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के यूवी सैनी की एक नई वीडियो में। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा भाई कि Hyundai i20 में 10 ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स जो मुझे पर्सनली इस गाड़ी के बहुत पसंद है। तो सबसे पहले पॉइंट से बात करते हैं, वो है भाई इस गाड़ी के डायमेंशंस। पहली वाली i20 से कंपेयर करें तो थोड़ी सी आपको एक खुली देखने को मिलेगी इसकी विड्थ और जो इसकी लेंथ है, जिसकी वजह से कैबिन में थोड़ा सा आपको और ज़्यादा स्पेस देखने को मिलेगा और जिससे गाड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। यहाँ पे आपको पिछली i20 से कंपेयर करें तो ज़्यादा स्पेस ऑफर करती है ये वाली i20। ये आप देख सकते हैं गाड़ी में बढ़िया स्पेस मुझे देखने को मिल रहा है, लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है और अंडर थाई सपोर्ट भी पहले से ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है गाड़ी में। तो ये है सबसे गाड़ी का पहला पॉजिटिव। अब सेकंड पॉजिटिव की बात करते हैं, मैं फ्रंट से दिखाता हूँ आपको। वो लगते हैं मुझे भाई इस गाड़ी की फिट एंड फिनिश, ये आप देख सकते हैं। हालांकि हर जगह आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलेगा पर गाड़ी की फिट एंड फिनिश बहुत टॉप नोच है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो प्लास्टिक क्वालिटी है ना और जो इसकी क्वालिटी मटेरियल्स है वो बहुत अप मार्केट है। इसका एक फायदा होता है जब गाड़ी आपकी ज्यादा चल जाती है 50-60 हजार किलोमीटर, उसकी वजह से ये रैटलिंग नॉइस क्रिएट नहीं करता। जैसे जैसे गाड़ी की एज बढ़ती है तो क्वालिटी मटेरियल्स बहुत अच्छे हैं, आपको कोई भी पैनल गैप देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं क्वालिटी मटेरियल्स एकदम टॉप क्वालिटी यूज करती है Hyundai हर कार में, और इस गाड़ी में भी बहुत अच्छे क्वालिटी मटेरियल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गए गाड़ी के दो पॉजिटिव पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो लगता है भाई मुझे इस गाड़ी की इंजन परफॉर्मेंस। आप देख सकते हैं ये वाला तो खैर 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो इसका डीजल इंजन है खास तौर से उसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल जाएगी। एकदम पंची इंजन आपको देखने को मिलता है 1500 cc का, वो बढ़िया आपको मतलब पुश देती है गाड़ी और बहुत रिफाइंड इंजन है। तो रिफाइनमेंट लेवल भी और पावर लेवल देखे ना गाड़ी के तो बहुत ज्यादा बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो लगता है मुझे इस गाड़ी की राइड क्वालिटी गाड़ी की बहुत ही बढ़िया है। गाड़ी में बम्प फील नहीं होते कैबिन में बिल्कुल भी जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हो। सस्पेंशन सेटअप बहुत ही गाड़ी का अच्छे से ट्यून कर रखा है सॉफ्ट, जिसकी वजह से सिटी में जो भी बम्प होते हैं ना गाड़ी उस पर ग्लाइड करती जाती है, तो जिसकी वजह से जो पैसेंजर्स होते हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती गाड़ी में। अब अगले पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो है भाई Hyundai का आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट। आप Hyundai की गाड़ी लेके निश्चिंत हो सकते हैं क्योंकि आपको जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। Hyundai बहुत अच्छा सपोर्ट करती है अपने कस्टमर्स को, चाहे वो पार्ट की बात हो चाहे आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो बहुत अच्छा आपको सपोर्ट देखने को मिलता है Hyundai टीम की तरफ से। तो ये भी गाड़ी का एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। जब हम गाड़ी लेते हैं नई तो ये कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं गाड़ी के बारे में। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इस गाड़ी के NVH लेवल्स। जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो जो बैकग्राउंड नॉइस है आपको बिल्कुल भी फील नहीं होती, और इंजन की नॉइस है मैं आपको दिखा भी देता हूँ गाड़ी स्टार्ट करके। ये गाड़ी स्टार्ट है और कोई बता नहीं सकता कि गाड़ी स्टार्ट है या नहीं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा साइलेंट इसका इंजन आपको देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इसके इंजन की। और गाड़ी जैसे इसमें जो डैम्प यूज कर रखा है, इसकी जो क्वालिटी है डोर्स की वो बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से ना जैसे कि मारुति कार्स में वो प्रॉब्लम रहती है वो इसमें नहीं है। बैकग्राउंड नॉइस बहुत हद तक कैंसिल हो जाती है इस गाड़ी में क्योंकि NVH लेवल्स काफी अच्छे हैं। अब नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करें वो है कनेक्टेड कार टेक। अगर आप इस गाड़ी का टॉप एंड वेरियंट लेते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे। जिस नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है भाई गाड़ी के इजी ऑपरेशंस। ये गाड़ी मतलब अगर हम सेगमेंट से कंपेयर करें ना तो जो इसके ऑपरेशंस है, ऑपरेशन से मेरा मतलब है जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हो मनूवर करते हो, तो ये देखो स्टेयरिंग, एक उंगली से मैं इस गाड़ी का स्टेयरिंग यूज कर रहा हूँ तो इतना ज़्यादा लाइट आपको देखने को मिलता है। और जो क्लच है गाड़ी का वो भी बहुत ज़्यादा लाइट आपको देखने को मिलेगा। और गाड़ी का जो ये आप गेयर बॉक्स की बात करें तो ये देख सकते हैं आप इतना स्मूथ गेयर बॉक्स है, मतलब अगर आपके घर में कोई लेडी है वो ड्राइव करती हैं कार तो जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है गाड़ी ड्राइव करते हुए, तो ये भी गाड़ी का एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं भाई इस गाड़ी की माइलेज की, तो ये माइलेज भी बढ़िया दे देती है। डीजल तो खास तौर से आपको बहुत अच्छी माइलेज दे देगा, और ये 1.2 लीटर जो पेट्रोल है ये भी आपको 17-18 की आराम से एवरेज दे देता है अगर आप गाड़ी को लाइट फुट पे चलाते हो तो। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो लगते हैं मुझे इस गाड़ी की टच स्क्रीन।
Hyundai की वन ऑफ द बेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको सेगमेंट में देखने को मिलेंगे। जब आप इसको यूज करते हो तो इसकी क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। ये देखो जो एनिमेशन है और बिल्कुल भी लैग नहीं करती है, ऐसा लगता है कोई आप फोन की टच स्क्रीन ही यूज कर रहे हो। और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसके रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी और इसमें गाइडलाइंस भी अडेप्टिव है, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी गाड़ी का काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, ये कभी भी लैग नहीं करता। अगर आप बात करें कभी भी इसको यूज करने की, बहुत अच्छे से काम करता है ये। तो ये थे भाई इस गाड़ी के बारे में कुछ ऐसे 10 पॉजिटिव पॉइंट्स जो आप इस गाड़ी को लेते हुए कंसिडर कर सकते हैं। और पर्सनली मुझे इस गाड़ी के वो 10 पॉजिटिव पॉइंट बहुत पसंद है। तो आज की इस वीडियो में इस गाड़ी के बारे में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यूवी सैनी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं मैं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।